बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद है, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की प्रिंट टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। राजा दाहिर वास डिफीटेड बाय राजा डार जो को उन्होंने क्या शिकस्त लेनी मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा उनका बाद में आ मोहम्मद बिन कासिम वास नेफ्यू ऑफ मोहम्मद बिन कासिम किसके भतीजे थे तो ये हजाज बिन यूसुफ के जो ना भतीजे थे। नंबर थ्री विच प्रोविंस ऑफ सिंध इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक गलत लिखा है मैंने। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम तो ये सिंध है, सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। नंबर फोर फाउंडर ऑफ लोधी डिनेस्टी, यहाँ मैंने गलत लिखा है, फाउंडर ऑफ लोधी डिनेस्टी होगा कि बहलोल लोधी जो था वो फाउंडर था इनके दौर का। नंबर फाइव ताजमहल कंस्ट्रक्टेड बाय, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनाया था। नंबर छः वार ऑफ इंडिपेंडेंस फाट जो आज़ादी की जंग थी 1857 में लड़ी गई थी, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी वास फाट तो जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो कब लड़ी गई, 1757 में। नंबर एट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वास फाट, पानीपत की तीन जंगें हुई थी। तो ये थर्ड जो बैटल थी वो 1761 में लड़ी गई। नंबर नो शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान इन पर्शियन। देखें अगर कोई पूछे आपसे सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किस ज़बान में हुआ तो वो लैटिन ज़बान है, ये आपको जहन में रखना है। नंबर टेन वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914, पहली जो जंग अजीम थी वो 1914 में स्टार्ट हुई थी। नंबर इलेवन वर्ल्ड वार फर्स्ट कैम टू एंड, फर्स्ट जो पहली जो अजीम जंग थी वो 1918 में अख्ताम को पहुंची। नंबर ट्वेल्व बैटल ऑफ प्लासी फाट बिटवीन हिंदू एंड सिख्स, मेरे ख्याल में सिख जो थे ना उनके बीच में, फिर भी आप कन्फर्म कर लेना। नंबर थर्टीन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन सिटी मीरूत, ये वहाँ स्टार्ट हुई थी जो बगावत हुई थी मंगल पांडे मेरे ख्याल में ना, एक सिपाही था जो खड़ा हुआ था और तंग आकर ना, तब क्या होता था कि जो कारतूस थे उसमें सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होती थी। अब देखें जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस थी और जो सुअर था वो मुसलमानों के लिए हराम था, तो तब वाले जो कार्ट्रिज थे इस्तेमाल होते थे यानी कारतूस जो इस्तेमाल होते थे उनको ना दांतों के ज़रिए कुछ निकाल के फिर ऐसे फेंके जाते थे या कुछ इस्तेमाल होते थे इस तरह से। तो अब जाहिर सी बात है इनकी चर्बी इनके मुँह में आती थी, तो इस वजह से मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस चीज़ की क्या बगावत की। सबसे पहले क्या हुआ कि एक सिपाही जो खड़ा था उसने अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी, इस हिसाब से यानी इस तरीके से ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना स्टार्ट हुई थी। फिर तो झांसी की रानी और दूसरे भी लीडर्स थे जो लड़े। नंबर 14 सर सैद अहमद खान बॉर्न, सर सैद अहमद खान कब पैदा हुए, 17 अक्टूबर 1817 में। नंबर 15 हयात जावेद वाज रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। नंबर 16 साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड बाय साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई, सर सैद अहमद खान। नंबर 17 रिसाला असबाब बगावत हिंद ये किसने लिखी, सर सैद अहमद खान। देखें 1857 में जैसे ही जंग आज़ादी का खात्मा हुआ यानी इख्ताम पजीर हुई यानी एक नाकाम जंग तो आप नहीं कह सकते यानी मुसलमान या हिंदू वो जीत तो नहीं सके थे, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने सीखा। उसके बाद जैसे ही ये जंग पूरी हुई यानी अंग्रेज़ों ने कंट्रोल कर लिया फिर तो उन्होंने मुसलमानों पे ना बहुत ज़्यादा जुल्म किया, क्योंकि वहाँ ये शो ऑफ किया गया कि इसका जंग जो मेन फ्रेम थे वो मुसलमान थे, उनकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई थी। तो इसी वजह से सर सैद अहमद खान ने फिर एक रिसाला लिखा, रिसाला असबाब बगावत हिंद, उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि हिंदू भी थे। और उसके बाद उसने कुछ रीज़न्स दिए कि
किस वजह से बागी होकर मुसलमानों ने या हिंदुओं ने इस जंग का आगाज़ किया था, और एक यानी वैलिड रीजन्स दिए गए थे। उसी वजह से फिर जब ये रिसाला घूमा यानी सर्कुलेट हुआ, तो फिर हिंदुओं अंग्रेज़ों ने कुछ जुल्म में जो है अपनी कमी की, कुछ बिहेवियर उन्होंने तब्दील किया। नंबर 18, MAO स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, इस्टेब्लिश इन 1875। फिर इसी स्कूल को 1877 में कॉलेज का दर्जा दिया गया। फिर इसी कॉलेज को 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ? 27 मार्च 1898। नंबर 22, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। देखें, पहले पहले जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की, वो 1905 में हुई थी। उसके बाद 1911 में फिर से ये पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा सूबा था, कुछ उनके रीजंस थे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थी, तो इस वजह से उनको जो ये इसको अख्ताम पजीर हुई थी, यानी इसको ख़त्म कर दिया था पार्टीशन को। नंबर 23, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड कब कायम हुई? 1885। नंबर 14, सॉरी 24, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर अब्दुल रशीद थे पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। और उसके बाद अगर बात की जाए, प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना थे। नंबर 26, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस 1905। नंबर 27, लखनऊ पैक्ट कब दिया गया? 1916 में। नंबर 28, कायदे आज़म 14 पॉइंट्स, कायदे आज़म ने अपने 14 जो नुकात थे वो कब दिए? कायदे आज़म ने 14 नुकता करे ना 1929 ईस्वी में। नंबर 29, अल्लामा इकबाल अलाहाबाद एड्रेस, अल्लामा इकबाल का जो अलाहाबाद का जो खुतबा था, जलसा था, वो कब था? 1930 में हुआ था। नंबर 30, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड, पाकिस्तान का पहला आइन कब इन्फोर्स्ड हुआ? 23 मार्च 1956। नंबर 31, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एब्रोगेटेड, पाकिस्तान का पहला आइन कब तोड़ा गया? 1958 में। नंबर 32, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड, पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा कब दिया गया? 8 जून 1962। नंबर 33, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एब्रोगेटेड, जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, कब एब्रोगेट हुआ, तोड़ा गया? 25 मार्च 1969। नंबर 34, द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड, तीसरा जो आइन था पाकिस्तान का, कब दिया गया? 14 अगस्त 1973। ये भुट्टो साहब ने दिया था। और उसके बाद यही आइन है, इसके बाद आइन में तरमीमें तो होती हैं, अमेंडमेंट्स तो होती हैं, लेकिन इस आइन को आप तोड़ नहीं सकते, और जो इस आइन को तोड़ेगा वो मुल्क का गद्दार होगा, और गद्दार की सज़ा तो आपको पता है, सज़ाए मौत। नंबर 35, बैटल ऑफ बुगजार फाटिन कब हुई? 1764। नंबर 36, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, तो ये 1867 में हुई थी, 1867। नंबर 37, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के नाम कब से मशहूर हुए? 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा हुआ। नंबर 38, लियाकत अली खान असासिनेटेड, लियाकत अली खान कब शहीद हुए, कब उनका कत्ल हुआ? 16 अक्टूबर 1951। नंबर 39, कायदे अजम ज्वाइंट मुस्लिम लीग, कायदे अजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 को। याद रखें कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 को बनी थी। और नंबर 40, कायदे अजम लेफ्ट कांग्रेस, कांग्रेस कायदे अजम ने कब छोड़ी? 1920 में छोड़ी थी। सो ये था ऑल अबाउट इसके बारे में। फिर भी अगर कोई सवालात हों, आपको समझ में आते हों, तो फिर आपसे पूछ सकते हैं।